हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स जनरली एसएससी एग्जाम्स लाइक एसएससी सीजीएल सीजल और एमटीएस में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड और सीडीएस में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग लेक्चर को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, दुस्साहस। और दुस्साहस का हिंदी मीनिंग आप लोग जानते हैं, दुस्साहस मतलब होता है कि आप कोई गलत तरीके से प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं हम दुस्साहस। नेक्स्ट वर्ड है इनन्सिएट। इनन्सिएट का मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण करना, स्पष्ट स्पष्ट उच्चारण करना, उच्चारण स्पष्ट उच्चारण करना। तो इनन्सिएट का मतलब हो गया स्पष्ट उच्चारण करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इपिटॉम। और इपिटॉम का मतलब होता है आदर्श उदाहरण, आदर्श आइडियल एग्जांपल, आदर्श उदाहरण। नेक्स्ट वर्ड है जिनेसिस। जिनेसिस का मतलब होता है आरंभ बिंदु, जिनेसिस का मतलब होता है आरंभ बिंदु और ओरिजिनेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है हर्टल। और हर्टल का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, तेजी से दौड़ना, रन अवे वेरी फास्टली। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हस्की। हस्की मतलब होता है शुष्क, इसके मतलब होता है शुष्क, भारी। और नेक्स्ट वर्ड है डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब होता है पृथक करना, सेपरेट करना। आप ये सारे वर्ड याद करते रहिए, आपकी कम्युनिकेशन भी से कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी इम्प्रूव होगी और एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आदि आप लगातार पिछले लेक्चर भी देखते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है सैल्यूटरी। और सैल्यूटरी का मतलब होता है हितकारी, हितकारी, बेनिफिशियल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिरियड। और मिरियड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, मतलब सफिशियंट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी, बेगर। और ये सारे वर्ड तुमको आने वाले एग्जाम में 100% मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। ये सारे वर्ड आप लोग काफ़ी में डाउन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिवियस। और ऑब्लिवियस का मतलब होता है एकदम मतलब भूला हुआ या बेखबर, बेखबर। और इसका मतलब होता है एकदम भूल जाना। नेक्स्ट वर्ड है एक्लीमेट। और एक्लीमेट का मतलब होता है अभ्यस्त होना, कस्टम्ड होना, अभ्यस्त, अभ्यस्त होना, कस्टम्ड हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी, हरी, इना हरी। उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रोसैंक्ट। और सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र, होली, पवित्रता, सैक्रेड,
पवित्र। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्त बोलना, अतिशयोक्त मतलब काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको हम कहते हैं अतिशयोक्त। नेक्स्ट वर्ड है स्टांच, और स्टांच का मतलब होता है रोकना, होल्ड करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेजी। मेजी और मेजी का मतलब होता है भूल भुलैया, लेबिरिंथ भी होता है इसका सिनोनिम, भूल भूल भुलैया वर्ड अगर लिखे तो उसका होता है लेबिरिंथ, काफ़ी अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिड, और फ्लोरिड का मतलब होता है अलंकारिक, अलंकारिक डेकोरेशन, अलंकारिक। नेक्स्ट वर्ड है बेनेफैक्शन, और बेनेफैक्शन का मतलब होता है दान, गिफ्ट करना या दान करना और या उपकार कर देना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरस्टाइस। इंटरस्टाइस मतलब होता है इंटरवल, मतलब अंतराल, अंतराल ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड है मिलेंज। मिलेंज का मतलब होता है मिश्रण, कंपाउंड इसका मतलब होता है मिश्रण, कॉन्ग्लोमरेशन। नेक्स्ट वर्ड है सेरिब्रेशन। सेरिब्रेशन का मतलब होता है दिमागी कार्य, जो हमारा दिमाग है वो सेरिब्रम उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसी से बना है दिमागी कार्य, सेरिब्रम। सेरिब्रेशन का मतलब होगा दिमागी कार्य। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हार्ट एट्री, और हार्ट एट्री का मतलब होता है प्रेरणात्मक, 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 एक्साइट। नेक्स्ट वर्ड है टीटो टेलर। टीटो टेलर का मतलब होता है शराब पे बिल्कुल ना लेने वाला, शराब ना लेने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हिट्रोजीनियस। इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो मिश्रण बना देते हैं, कई सारे सब्सटेंस मिला के विविध कह सकते हैं, विविध उसको हम कहते हैं हिट्रोजीनियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है लाडेबल। लाडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रेजेबल, अप्रेज करना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अपोथियसिस। चलिए आपका नेक्स्ट वर्ड है अपोथियसिस। इसका मतलब होता है उत्कृष्टता, है उत्कृष्टता। स्प्लेंडर। नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट करना, रिड्यूस करना। एक मिटिगेट अच्छा वर्ड है, मिटिगेट होता है एक, रिड्यूस करना ये सारे वर्ड होते हैं, लेसन करना ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुलेस। सुलेस का मतलब होता है सांत्वना करना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, सांत्वना देना या पेशेंस रखना। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोब्रियम। अप्रोब्रियम का मतलब होता है तिरस्कार, अपमान, इंसल्टी, तिरस्कार, तिरस्कार या अपमान कह सकते हो, डिफेम। नेक्स्ट वर्ड है इंजेंडर।
इंजेंडर का मतलब होता है फायदा करना, इवाल करना होता है फायदा करना। सारे वर्ड याद रखिए, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्काईलाइट। स्काईलाइट मतलब होता है रोशनदान। रोशनदान। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्वायर। रिजर्व का मतलब होता है कृत्रिम कोई जलाशय, कृत्रिम जलाशय। या हाउस जो होती है टंकी टाइप की, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, इम्प्रूवमेंट, सुधार करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट। और डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, एकदम संकोच करने वाला, संकोची। नेक्स्ट वर्ड है वोसीफेरस। और वैसे वोसीफेरस का मतलब होता है कलापूर्ण, काफ़ी हलचल वाली स्थिति, उसको कहते हैं वोसीफेरस, या इसको हम कहते हैं कोलाहलपूर्ण, कोलाहल। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लिविटी। और प्रोक्लिविटी का मतलब होता है पर झुकाव होना, झुकाव। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है क्लाउड बस्ट। और क्लाउड बस्ट का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट वर्ड है आपका सफरेज। और सफरेज का मतलब होता है मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, उसको कहते हैं सफरेज, मत देने का अधिकार। ये वर्ड काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा, सफरेज। नेक्स्ट वर्ड है लोगोफोबिया। लोगोफोबिया का मतलब होता है बोलने से डर, या शब्दों से यूज के डर, शब्दों से डर, या स्पीकिंग करने से आपको डर लगता है, इसको हम कहते हैं लोगोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। स्काईलाइट हमने बता दिया किसका मतलब रोशनदान होता है। और लास्ट वर्ड है क्लोथ स्लाइन। क्लोथ स्लाइन का मतलब होता है कपड़े सुखाने वाली जो रस्सी होती है, उसको हम कहते हैं क्लोथ स्लाइन, कपड़े सुखाने की रस्सी। ये लास्ट वर्ड था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। आपको इसमें कितने वर्ड आते हैं कमेंट करके बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।